मान लीजिए आप और आपके पार्टनर में इस बात पर झगड़ा हो गया है कि वीकेंड पर क्या किया जाए। आप में से एक घर पर रहना चाहता है और एक बाहर जाना चाहता है। आप एक अग्रीमेंट पर नहीं आ पा रहे हैं। फिर कुछ वाद विवाद होंगे, कुछ दरवाजे पीटे जाएंगे, फीलिंग्स हर्ट होंगी और दोनों एक एक कोना पकड़कर बैठ जाएंगे। हेलो व्यूअर्स और बेस्टी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हर कपल लड़ता है, ये सच है। अगर आप अक्सर अपने पार्टनर से डिसएग्री नहीं करते तो शायद आपका रिश्ता इतना अलाइव नहीं है जितना हो सकता है। लेकिन कामयाब कपल्स और संघर्ष करने वाले कपल्स में मुख्य फर्क ये होता है कि कामयाब कपल्स को झगड़े के बाद सुलह करनी आती है। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप झगड़े के बाद अपने पार्टनर से सुलह कर पाएंगे। उनके लिए खाना बनाने से लेकर खुले दिल से उनकी बात सुनने तक, उदार होने, उन्हें गले लगाने से लेकर हाथ से माफीनामा लिखने तक हम सब के बारे में बात करेंगे। पहला, माफी मांगे। सही होने का ये मतलब नहीं है कि आप एक साथ आने की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं। बात करें कि आप कैसा महसूस करते हैं और अगर आप आहत या असुरक्षित हैं तो इसे स्वीकार करें। शायद इस दौरान आपको एक दूसरे के साथ ज्यादा भलाई से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि झगड़े के बाद एक साथ आना थोड़ा दर्दनाक हो सकता है। आपका झगड़ा क्यों हुआ था ये पहचानने का भी एक वक्त होता है। केवल माफ़ी मांगना समस्याएं सुलझाने और पार्टनर से सुलह करने का तरीका नहीं। अक्सर हम आई एम सॉरी कहकर उम्मीद करते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन अगर विश्वास टूटा है तो किसी एक या दोनों को ही रिश्ते में सुरक्षित महसूस करने में तकलीफ होगी। इसे स्वीकार करिए और इसकी इज्जत करिए। पार्टनर के साथ झगड़ा होने के बाद सबसे पहले माफ़ी कौन मांगता है? क्या हमेशा आप ऐसा करते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, उनके लिए खाना बनाइए। एक सर्वे के अनुसार हेल्दी रिलेशनशिप्स के 88% लोग मानते हैं कि कुकिंग से पार्टनर्स का कम्युनिकेशन सुधरता है। लगभग 92% लोग कुकिंग को प्यार जताने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक मानते हैं। केवल कोशिश करें। चाहे आप बेसिक कुक भी नहीं हो या आपको कढ़ाई कलछी चलाना पसंद ना हो, तो भी अपने चार्मिंग पार्टनर के लिए ऐसा करें। इंटरनेट से मदद मांगिए या फिर मम्मी को फोन करिए। शायद ये परफेक्ट ना हो, लेकिन अपने गुस्सैल प्रेमी का दिल तो जरूर पिघला देगा। तीसरा, उदार बने। जितना हो सके उतनी उदारता से बात करें। जो चीज उन्हें चाहिए वो उन्हें पूरा पूरा देने की कोशिश करें। आप उन्हें कुछ ऐसा कह सकते हैं, आपके नजरिए से देखने पर मैं समझ सकता हूँ कि आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ होगा, और इसके बाद माफ़ी ज़रूर मांगे। मुझे माफ़ कर दो कि तुम्हें डर, अकेलापन और हर्ट महसूस हुआ, क्योंकि आप सच में अपने पार्टनर को डराना नहीं चाहते थे ना? इसे क्यू की तरह इस्तेमाल करें। आपका पार्टनर ऐसी पोजीशन में था जहाँ उन्हें अपसेट महसूस कराने के लिए कुछ तो अनकम्फर्टेबल था। अपना वो हिस्सा खोजें जो उन्हें प्यार करता है और कभी भी चोट पहुंचाना नहीं चाहता, और उस पोजीशन से ऑपरेट करें। चौथा, पुरानी बातें सेटल हो जाने के बाद उन्हें झगड़े में ना घसीटें। हालांकि झगड़े के बाद चीजें सेटल हो जाती हैं, लेकिन आपके इमोशंस अभी भी उन पर हाई होते हैं, तो शायद आप अभी भी पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर दिखाने के लिए टेम्प्टेड हों, लेकिन आपको सही से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आप पैसिवली विरोध करते हैं और नेगेटिवली बिहेव करते हैं। ऐसे व्यवहार से केवल गंदगी बढ़ेगी, चाहे आप इसे कॉन्शियसली करें या अनकॉन्शियसली। शायद आप खत्म हुई लड़ाई पर टिप्पणियां करते रहें या फिर उस बारे में मजाक करते रहें। आपको ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर रखने की जरूरत नहीं है, और आप में अनप्लेजेंट चीजों के बारे में जोक करने की भी क्षमता होनी चाहिए। लेकिन आपको जानना चाहिए कि आप दोनों ही गंभीर लड़ाई के बाद थोड़े बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऐसे वक्त में आपके मजाक को गलत तरीके से लिया जा सकता है। पांचवा, अपने पार्टनर को दिखाएं कि उनके लिए झगड़े से ज्यादा जरूरी आपका प्यार है। यहाँ फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इसे कैसे करते हैं। किसी को लड़ाई के बाद हक की जरूरत होती है, जबकि किसी और को गुस्से के वक्त किसी का छूना भी पसंद नहीं आता। ये एक जेस्चर, मुस्कान या केवल शब्द हो सकते हैं। जब आप चाहो मैं बात करने को तैयार हूँ, या मुस्कुराकर मजा आया ना। उनके गुस्से और इमोशनल डिस्टेंस को जिंदा रखकर स्टैंड ऑफ जीतने की कोशिश करना बदतर हो सकता है। दिखाएं कि आप गुस्से पर काबू पाने और एक कपल की तरह काम करने में समर्थ हैं। छठा, पार्टनर की बात खुले दिल से सुने। झगड़े के बाद सुलह करने के लिए ये जरूरी है कि आप अपना व्यू पॉइंट एक तरफ रखकर स्थिति को अपने पार्टनर के नजरिए से देखें। चाहे कितना भी मुश्किल लगे, लेकिन सुनने की कोशिश करें कि आपका पार्टनर क्या कहना चाहता है। बीच में टोके नहीं और उन्हें करेक्ट ना करें।
किसी को बिना रोके टोके, बिना जज किए और उन्हें सही गलत बताए बिना उनकी बात को खुले दिमाग से सुनना एक बहुत ही लविंग और केयरिंग चीज है। और क्या आपका पार्टनर आपका प्यार और देखभाल महसूस करना डिजर्व नहीं करता? जब आपको टोका जाता है तो इसका मतलब है कि दूसरा इंसान कह रहा है, मैं तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की प्रायोरिटी है। रोकने टोकने से कम्युनिकेशन में दिक्कतें आती हैं और किसी को भी ये एहसास नहीं होता कि उनका इंटरैक्शन ऑब्स्ट्रक्ट क्यों होता है। सातवां, अपनी लड़ाई के बारे में ईमानदार रहें। अगर लड़ाई के बीच में आपको एहसास हो जाता है कि शायद गलती आपकी है, लेकिन बहस की गर्मा गर्मी में आप लड़ते रहते हैं, तो अपने पार्टनर से कन्फेस करें। अगर आपको लगे कि लड़ाई गंदे बर्तनों के ऊपर नहीं बल्कि किन्हीं अन्य अनकही नाराजगियों के बारे में थी, तो इस बात को सामने लाएं। लेकिन याद रखें कि वही बहस बार बार करने से कुछ भी नहीं सुलझेगा। अगर आप इसे सुलझा नहीं सकते तो कम से कम इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में अग्री करें। अगर आप प्यार को वापस जगाना चाहते हैं तो स्वीकार करें कि जरूरी नहीं है कि डिफरेंसेस हमेशा बुरे हों। आठवां, जाने दें और दिल में कोई बात ना रखें। अक्सर झगड़े के बाद टेंशन होती है क्योंकि हम खुद को उस डिसएग्रीमेंट को छोड़ने के लिए अलाउ ही नहीं करते। जब हम शांति में बैठते हैं तो हम अक्सर अपने दिमाग में अपनी साइड को जस्टिफाई करते रहते हैं। याद रखें कि बहस करना और दिल में बात रखना वर्थ नहीं है। आप पॉजिटिव माइंडसेट रखने का फैसला कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी बात से नाराज या गुस्सा हो या फिर बहस पूरी तरह खत्म ना हुई हो, लेकिन जाने दें। उस वक्त ये उतना जरूरी नहीं है जितना आपको लगता है। आपकी खुशी और आपके रिश्ते की सेहत उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद को नेगेटिव एक्सपीरियंस से चिपकने नहीं देंगे तो रिश्ता कामयाब होगा। झगड़ा भूल जाएं और मूव ऑन करें। नवा, बातचीत के पॉजिटिव विषय से ऑकवर्ड चुप्पी तोड़ें। झगड़े के बाद होने वाली चुप्पी को ज्यादा देर ना चलने दें। ये चुप्पी जितनी ज्यादा लंबी चलेगी, इसे तोड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। सबसे अच्छा काम ये होगा कि आप लंबी सांस लें और ऐसा प्रिटेंड करें कि कुछ हुआ ही नहीं। बातचीत का एक पॉजिटिव टॉपिक चुनें और छोटी बातचीत करें। शुरू के कुछ मिनटों तक ये झूठा और ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन ये ऑकवर्ड चुप्पी से तो बेहतर है। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि कितनी जल्दी आपकी बातचीत नॉर्मल हो जाएगी। दसवां, वातावरण बदलने की कोशिश करें। झगड़े के वक्त आप जिस फिजिकल पोजीशन में थे, उसी पोजीशन में रहने से स्टेडफास्ट होना आसान हो जाता है। कोई भी सामान्य जिंदगी में वापस लौटने की पहल करने को तैयार नहीं होता। पहल करें और वातावरण बदलने का सुझाव दें। आप कॉफी पीने या डिनर करने जा सकते हैं। अक्सर वातावरण बदलने से, खासकर कॉफी शॉप या रेस्टोरेंट जैसे सोशल एनवायरनमेंट में जाने से, आप दोनों के बीच का वातावरण भी बदल सकता है। ग्यारहवां, पार्टनर को गले लगाएं। देखभाल जताने के लिए एक अच्छे गर्म जोशी भरे हग से बेहतर कुछ नहीं होता। जिसे आप गले लगा रहे हैं वो तुरंत प्रोटेक्टेड और लव्ड महसूस करता है, और झगड़े के बाद पार्टनर पर रिले करने के लिए यही चाहिए होता है। एक सिंपल हग उन्हें बताएगा कि आप अभी भी उनसे उसी तरह प्यार करते हैं, और किसी भी बेतुके झगड़े से ज्यादा ये रिश्ता आपके लिए जरूरी है। कुछ घंटे अपने पार्टनर से झगड़ने के बाद मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकालना मुश्किल हो सकता है, इसलिए हग्स काम आते हैं। लेकिन जबरदस्ती मत करिए, क्योंकि कुछ लोगों को झगड़े के बाद दिमाग ठंडा करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। थोड़ा वक्त लें, क्योंकि गुस्से से भरे पार्टनर को गले लगाने से नुकसान हो सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता हेल्दी है या नहीं? जानने के लिए 10 संकेत जो बताते हैं कि आप एक हेल्दी रिश्ते में हैं, जरूर देखें। अब वापस सुलह के तरीकों पर चलते हैं। बारहवां, हाथ से माफी नामा लिखें। प्यार और ईगो साथ नहीं चलते। अगर आप अपने रिश्ते के प्रति गंभीर हैं, तो ईगो बाजू में रखकर अपने पार्टनर को एक प्यारा रोमांटिक पुराने जमाने का प्रेम पत्र लिखें। बात ये नहीं है कि पहले सुलह की कोशिश किसने की, लेकिन ये आपके रिश्ते के बारे में है जो कि ईगो क्लैशेस से मुक्त होना चाहिए। प्रेम पत्र पढ़कर आपके पार्टनर जरूर मुस्कुराएंगे और लविंग महसूस करेंगे। कागज पर अपना दिल निकाल कर रख दें और जल्दी से उन्हें दे दें। इस बात को जरूर समझाएं कि आप झगड़ा क्यों खत्म करना चाहते हैं और वो आपकी जिंदगी में कितने जरूरी हैं। प्रेम पत्र पढ़ने के दौरान अपने पार्टनर के इर्द गिर्द ही रहें। तेरहवां, साथ बिताए पुराने मजेदार पल याद करें। शांति बरकरार रखने के लिए एक और प्रभावी तरीका है कि खुद को आप दोनों की अच्छी यादें और बेहतरीन पलों की याद दिलाते रहें।
इन पलों के बारे में सोचने से ही एक दूसरे के प्रति आपका प्यार फिर से जाग जाएगा। आप अपने पार्टनर के साथ कितना झगड़ा करते हैं, क्या उसके बाद उनसे सुलह करना मुश्किल होता है, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।